बिहार पर जो संकट था वो संकट ग्रह खत्म हो गया। बहुत शुभ है, हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए सरकार में बहुमत है, 122 का स्ट्रेंथ है जिसमें से हमको 128 का बहुमत है। बिहार पर जो संकट था वो अब टल चुका है, अब बिहार पर कोई खतरा नहीं है, बिहार पर कोई संकट नहीं है, अब जो होगा वो शुभ शुभ होगा क्योंकि बसंत पंचमी आ रहा है और बसंत पंचमी के साथ साथ शुभ चीज़ों की शुरुआत हो जाती है, ये कहना है पशुपति पारस का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कल विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, बिहार में विधानमंडल बजट सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले बिहार में फ्लो टेस्ट होना है। फ्लो टेस्ट में एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार, एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खड़े होंगे। बहुमत स्थापित करना होगा, अपने अपने संख्या बल दिखानी होगी कि कौन सी पार्टी संख्या बल में कितनी मजबूत है। अब इसे ऐसे इसी कड़ी में बता दें कि पहले कांग्रेस के ने अपने तमाम 19 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया, हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। इन सबके बाद आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव अपने आवास पर ही बंद कर लिए, नज़रबंद कर लिए। इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम विधायकों को बोधगया भेज दिया गया और उसके बाद बयान ये आता है कि हम अपने विधायकों को प्रशिक्षण के लिए भेजे हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, हर वक्त होती है। इन सबके बीच अब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने फ्लो टेस्ट को लेकर के बड़ा बयान दिया, कहा है कि बिहार में तो अब शुभ होने की शुरुआत हुई है क्योंकि बिहार में जो संकट था वो संकट टल चुका है। होगा कि बसंत पंचमी के पहले खरमा, उसके बाद अब बसंत पंचमी आ रही है, दो दिन बाद बसंत पंचमी है, तो अब सब चीज़ शुभ शुभ होगा, बिहार में अब कोई संकट नहीं आने वाला है, फ्लो टेस्ट में भी हम पास होंगे। क्या कुछ पशुपति पारस का फ्लो टेस्ट को लेकर कहना है, सुनवाते हैं। बिहार पर जो संकट था वो संकट ग्रह खत्म हो गया। आप देखिएगा कि 14 जनवरी में चुरा रहे खाते हैं, उसके पहले मलेमास लगता है, खरमास लगता है, वो सब खत्म हो गया। और कल के बाद बसंत ऋतु का आगमन है, 14 तारीख को बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु का आगमन है और बसंत ऋतु सबसे शुभ माना जाता है। और कल का दिन भी बहुत शुभ है, हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए सरकार में बहुमत है, 122 का स्ट्रेंथ है जिसमें से हमको 128 का बहुमत है और पूरा देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है, एनडीए गठबंधन एकजुट है, इंडिया गठबंधन पूरे देश में टूट के कगार पर और टूट के बर्बाद हो गया। आरजेडी कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि खेल हम, अरे भाई कांग्रेस को तो अपना अपने मेले का पता नहीं है, कांग्रेस के विधायक वो तो अपने छिन्न भिन्न है और आरजेडी के लोग भी यहाँ डेरा डलवाए हुए हैं।